दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये एक बोनस वीडियो है। बोनस वीडियो में हम आपका कम से कम टाइम लेके छोटे छोटे डाउट्स को क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लॉजिकल अनबॉक्सिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने काफ़ी ईमेल्स या तो मैसेजेस में अवेटिंग वर्ड पढ़ा होगा, तब ये डाउट जाता है कि यहाँ पर वेटिंग वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया। क्या वेटिंग और अवेटिंग का मतलब अलग होता है? नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन इन्हें यूज़ करने का तरीका स्पेसिफिक है। आइए देखते हैं इन दोनों वर्ड्स के बीच क्या क्या डिफरेंस है। अवेटिंग वर्ड वेटिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्मल है। अवेटिंग को आप किसी पर्सन के साथ यूज़ नहीं कर सकते और इसे ऑलवेज किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही लगाया जाता है, जैसे कि आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, वी आर अवेटिंग हिज अराइवल। यहाँ पर रिप्लाई और ईमेल ऑब्जेक्ट्स की तरह पे यूज़ किए गए हैं, जबकि वेटिंग को यूज़ करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और इसे आप किसी पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर हितेश, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को गौर किया हो तो अवेटिंग के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगाना पड़ता, जबकि वेटिंग के साथ ऑलवेज फॉर लगाना पड़ता है। दोस्तों, इस बोनस वीडियो को कंक्लूड करते हुए, फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल और मैसेजेस में वेटिंग वर्ड यूज़ न करके ऑलवेज अवेटिंग यूज़ कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कीजिए लाइक एंड शेयर इस वीडियो को, और हाँ, हमारे चैनल लॉजिकल अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही अनोखी लॉजिकल अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं। साथ में दिखाए गए घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आगे मिलेंगे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।